कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय किस पॉलिसी के माध्यम से आपने दारू का परचेस किया, तो 5 साल तक एक ही कंपनी एक ही व्यक्ति दारू सप्लाई करता रहा एक जिले में, दूसरे जिले में वो दूसरा व्यक्ति। यानी आपने सिंडिकेट बना करके योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ के राजस्व को हानि पहुंचाई। और जो प्लेसमेंट एजेंसी है, जो कर्मचारी सप्लाई करती है, वो कर्मचारी के खिलाफ में तो आपने कार्रवाई की, लेकिन वो प्लेसमेंट एजेंसी जिसके नाम पर पंजीयन है उसका संचालन करता, उसके खिलाफ में आपने कोई FIR दर्ज नहीं की। पूर्व सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व में जो योजनाबद्ध तरीके से नुकसान पहुंचाया, मिली भगत करके करोड़ों रुपए का जो चूना लगाया, और ये इतना बड़ा स्कैंडल जब पूरे देश में चर्चा का हो चुका, कई लोग ED के चपेट में आ चुके हैं, कई लोग जेल में जा चुके हैं, ऐसे विषय को सरकार ने कहा गंभीरता से जांच चल रही है, हम प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया गया, और उसके आधार पर ही, चूंकि 2018 के बाद 2019 से कोरोना काल आ गया था, 2 साल कोरोना रहा, उसके बीच में भी हमारी सरकार ने लगातार दुकानों की संख्या कम की, शराब की कीमत थोड़ी बढ़ाते रही, पर हमारा राजस्व नुकसान कहीं नहीं हुआ। और जो भी बातें, जो भी पॉलिसी बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई पॉलिसी पर ही काम हुआ था, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी की बात हो, चाहे शराब ठेके का जो सरकारीकरण था उसकी बात हो, चाहे हमने तो आज सदन में मांग की कि अगर शराब पे बात ही करनी है, शराब पे CBI इंक्वायरी करनी है, तो 2013 से CBI इंक्वायरी करें, ताकि दूध का दूध पानी हो कि आखिर पॉलिसी बनाई कैसे गई थी, क्यों बनाई गई थी, किसके फायदे। उस समय भी होलोग्राम का मुद्दा आया था कि फॉल्स होलोग्राम के थ्रू में शराब की बोतलें निकल रही हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन पर इसकी इंक्वायरी, हम तो कहते हैं कि हर चीज की इंक्वायरी कर लें, हर चीज की CBI इंक्वायरी कर लें, हर चीज सामने आ जाएगी कि आखिर किनके द्वारा किस तरीके से कहां बदमाशियां की गई। शराब दुकानों में जो सेल्समैन हैं उनके द्वारा दुकानों में नकली शराब और अवैध रूप से बिक्री किया गया है, जिसमें जो मानव संसाधन जो उपलब्ध कराते हैं ऐसे एजेंसियों का बड़ा हाथ था, और इस पर कई कार्रवाइयां भी हुई हैं, परंतु माननीय सदस्य असंतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन प्लेसमेंट एजेंसियों का एक बड़ा हाथ था, तो उस पर जांच के लिए कार्रवाई के लिए आज सदन में घोषणा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस शराब घोटाले पर जिसकी परतें अब खुलने लगी है। नई सरकार आने के बाद शराब घोटाला जमकर चर्चा में है। ईडी के जांच के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी भी कई पहलू इसमें छुपे हुए हैं। और इसीलिए आज विधानसभा में जब ये सवाल उठा तो अपनों के सवालों का सामना सरकार को करना पड़ा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस पूरे मामले को उठाया, और अब इस पूरे मामले की जब जांच होगी तो इसकी आंच में कौन कौन आएंगे और किस तरीके की इसको लेकर सियासत हमें देखने को मिल सकती है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर पहुंचे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रूपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि ये मुद्दा नया नहीं है, पर नए ढंग से आज जब विधानसभा में पेश हुआ तो ऐसा लगा कि अपने ही अपनी सरकार से जब सवाल पूछते हैं और अपनों के सवाल से जब सरकार घिर जाती है तो किस तरीके की स्थिति बनती है। आज केवल आधा घंटे इसी विषय पर चर्चा होती रही, 700 पेज का जवाब लेकर मंत्री पहुंचे हुए थे। क्या कुछ हुआ है, कैसा बयान आया है, वो हम आपको सुना चुके हैं। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। तो हमारे साथ पहले बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है निशिकांत जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। निशिकांत जी, 3 महीने होने आए हैं आपकी सरकार को, ये मुद्दा आप लोग उठाते आए थे जब विपक्ष में थे, अब तक कुछ हुआ नहीं है इस बात को लेकर। राजेश मूणत भी सवाल उठा रहे हैं, अपने ही सवाल आप लोगों के पूछ रहे हैं। आप लोग देरी क्यों कर रहे हैं, जब आप लोगों को मालूम था कि इसमें गड़बड़ी है, घोटाला है,
तो उसमें अब तक वही पैटर्न क्यों चल रहा है? मोहन जी पहले तो नमस्कार। देखिए ये मामला बहुत पुराना है और जब हम विपक्ष में थे तो ये मामले को हमने उठाया था और ईडी की जांच इस पर चल रही है। एक बात महत्वपूर्ण क्या है कि जो शराबबंदी के नाम से जो सरकार आई थी, वो महिलाओं का वोट छीन के लूट के जो सरकार में आए थे कांग्रेस पार्टी, वो होम डिलीवरी से लेके होलोग्राम तक पहुंच गई। फर्जी होलोग्राम के साथ एक ही दुकान में दो दो काउंटर चलाया गया जिससे 2161 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान ईडी बोल रही है, जबकि हमारा आकलन है कि 10,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। विषय मात्र इतना है, फर्जी शराब सिंडिकेट का बोलबाला इस सरकार में था 5 साल, चाहे आप कोयला का देख लो, चाहे राशन का देख लो, चाहे ये शराब माफिया को देख लो, इसमें अनिल टुटेजा से लेकर अनवर ढेबर तक का सबका नाम इसमें आया हुआ है। ईडी जांच कर रही है, लोग जेल में हैं, आगे भी जो कार्रवाई करनी है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जीरो टॉलरेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति रही है। तो ये जो शराब नीति को लेके जो इन्होंने अपना एक सिंडिकेट बनाया, उस सिंडिकेट से प्रदेश की जनता की जान माल की नुकसान भी हुआ, क्योंकि फर्जी शराब इन्होंने पिलाया उससे जनता का जान माल भी गया है। तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। रही बात एजेंसी पे या डिस्टिलरी पे, जो जो इस सिंडिकेट में शामिल होंगे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये राजस्व का जो हानि हुआ है इससे प्रदेश के जनता के विकास के कार्यों किया जा सकता था, लेकिन ये 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करते रहे और जो प्रदेश का पैसा था, जो संसाधन आपने लूटा, उसको 10 जनपद के पैरों के नीचे पंखुड़ियों की तरह बिछा रहे थे, वो भी प्रदेश की जनता ने देखा है। इसका परिणाम तो किस बात की है? अभी जांच की घोषणा हो रही है, जांच अलग होगी विभागीय, एसीबी भी जांच जो कर रही है उसके छापे कल पड़े हैं, देरी क्यों हो रही है? कोई देरी नहीं हो रही मोहन जी, एक जांच पहले चल रही, ईडी की जांच चल रही है जिसके शिकंजे में कई लोग आए हैं, आबकारी विभाग के अधिकारी से लेके उसके जांच में कई व्यापारी और मिडिलमैन भी आए हुए हैं। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है मोहन जी, कोई एक व्यक्ति का सिंडिकेट रहता तो पकड़ के हम लोग वो कर लेते, लेकिन ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इसकी आज सीएम हाउस तक जानी है, ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है मोहन जी। तो आप विश्वास रखिए जल्दी से जल्दी जांच पूरी की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, सख्त कार्रवाई के आश्वासन के साथ जैसा कि मंत्री ने जवाब दिया वैसा ही कुछ जवाब निशिकांत जी दे रहे हैं, चलते हैं कांग्रेस की ओर। और कांग्रेस क्योंकि इस मामले में एक तरीके से कॉर्नर में ढकेली जा रही है ताकि उसे निशाना बनाया जा सके, अभी तक कोई ऐसा सीधा सवाल उनके ऊपर नहीं आया है कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, लेकिन ये पूरा जो जांच का दायरा है उसमें कांग्रेस के नेता बच जाएं ऐसा लगता नहीं है। दुबे जी, ये स्थितियां बन रही है, जिस ढंग की परिस्थिति है उससे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को एक तरीके से जांच के दायरे में लाया जाएगा, फिर उन पर भी जांच के की कार्रवाइयां होंगी, कांग्रेस बचेगी कैसे, कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पूरे मामले में? मोहन जी नमस्कार जी। कांग्रेस कहीं भी इन आरोपों से घबराई हुई नहीं है और निश्चित रूप से भाजपा अपने मोदी की गारंटी की योजनाओं जो हैं वादा किए हैं उनके असफलता को छिपाने के लिए नए नए प्रपंच रोज नई जांच कमेटी बना करके ये जांच कमेटी का खेल खेलने का प्रारंभ कर दिए हैं। देखिए 15 साल भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में रही और जिस प्रकार से शराब का सरकारीकरण किया गया और इनके द्वारा 17 जून 2011 से डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा ये कहा जाता था कि राजस्व का नुकसान होने के बाद भी हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन उनके द्वारा शराबबंदी कार्रवाई नहीं की गई, सरकारीकरण किया गया। सरकारीकरण करने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने वो दिन भी देखा है जब एक ब्रांड विशेष की शराब दुकानों में मिलती थी, वो भाजपा के संलिप्तता का स्पष्ट प्रमाण था जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद जिस प्रकार से कार्रवाइयां प्रारंभ की गई, दुकानें बंद करने की कार्रवाई की गई और भाजपा स्वयं भ्रम में है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार जब से आई है भ्रम है, ये जितने भी जांच एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई आईटी सभी जांच एजेंसियां एक जांच के लिए सभी जांच एजेंसियों से कार्रवाई करा करके ये क्या बताना चाहते हैं, ये भ्रम की स्थिति में है। भाजपा किसी भी परिस्थिति में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने असफलता को छिपाने के लिए घोटाले की बात करती है। निश्चित रूप से कहीं घपले घोटाले की बात आई है, उसका जांच होना चाहिए,
लेकिन जांच की दिशा पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए, स्पष्ट पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए, और जब जब भी जांच होती है, जब जब भी कोई कार्रवाई होती है, उसका सार्वजनिक खुलासा भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए पांडे जी, ये आरोप तो बीजेपी पे कई साल से लग रहा है, जब से मोदी सरकार आई है। कोई भी जांच होती है जिसमें फंसाने की कोशिश की जाती है विपक्ष को, यहाँ पर भी ऐसा होगा क्योंकि आप लोग सत्ता पक्ष में है, इसी बात की आशंका जता रहे हैं दुबे जी। चाशनी गिरी होती है वहां चिट्ठी आएगी, ये चाशनी का मतलब भ्रष्टाचार की चाशनी कांग्रेस पार्टी है, ये मैं नहीं कहा था, इसको राजीव गांधी जी ने कहा था कि सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, एक रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा खा जाते हैं, 15 ही पैसा पहुंचता है, ये राजीव गांधी जी ने कहा था, हमने नहीं कहा था। अक्षर स ये भ्रष्टाचारी 351 करोड़ रुपए किनके घर में निकल रहा है, इनके राज्यसभा के सांसद के यहाँ। ये नीति पुरानी है, आप लोग ने बनाई, आप लोगों की नीति को अडॉप्ट किया। अरे नीति पुरानी नहीं है, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है, उसमें इन्होंने घालमेल किया है, सिंडिकेट बना के FL10 के लाइसेंस के लिए जो इन्होंने कहानी बनाई है, प्राइवेट पार्टी को जो लेके आए हैं ये, और एक ही पार्टी से लगातार शराब की सप्लाई करवाना, वही L1 आएगा, ये बिना सिंडिकेट के संभव नहीं है। रुपेश दुबे जी आज गंगा में जाके नहा के भी आ जाएंगे तो प्रदेश की जनता इस बात को नहीं मानेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने बंद करने के कहा था, बंद करने के लिए कहा था, हमने बंद भी किया, 350 दुकानें बंद की, महिलाओं से बोला गया कि अगर आप 70% महिलाएं अगर बोल के और लिख के देती हैं वहां शराब दुकान हटाया जाएगा, हम लगातार इस पे काम कर रहे थे, लेकिन घोषणा पत्र में हाथ में गंगा जल लेके ये कांग्रेसी कह रहे थे कि हम शराब बंदी करेंगे, लागू करेंगे, 5 साल तक उसी शराब से 10 जनपद के दरबारी के रूप में काम किया गया और प्रदेश की जनता का शोषण भी हुआ। आज ये बात कर रहे हैं कि बायस कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई बायस नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचारी हो तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आपको जेल में जाना पड़ेगा और एक एक पैसे का हिसाब देने पड़ेगा। ये किसी का बपोती नहीं था पैसा, ये प्रदेश का राजस्व था, इससे स्कूल बनते, अस्पताल बनते, सड़कें बनती, लेकिन आपने उस पैसे को पूरे देश में चुनावी राजनीति में खर्च करने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज आप सत्ता से बेदखल हो गए। ठीक है, चलिए पांडे जी का तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इस पर एक बार और फिर से प्रतिक्रिया लेंगे दुबे जी की, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये प्रकरण कैसे आकार ले रहा है, किस तरीके से इसमें राजनीतिक एंगल भी है, क्या ये कोई केवल गड़बड़ी का मामला, निमित्ता का मामला अधिकारियों के द्वारा है, या फिर इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र जैसी भी चीजें हैं। अनिल द्विवेदी जी, आपका क्या आकलन है, लंबे समय से आप इस तरीके के केसेस को देख रहे हैं, इस केस में कितना दम लगता है और क्या इसके केस में लेट लतीफी के पीछे, जैसे कि मूरत जी भी आरोप लगा रहे थे, अब की सरकार में से भी कुछ जो लोग हैं वो भी दोषी हो सकते हैं? मोहन जी, आज विधानसभा में ये मुद्दा, अवैध शराबबंदी का भी मुद्दा है और शराब के चलते जो भ्रष्टाचार हुआ उसका मुद्दा भी राजेश मूरत ने उठाया है। विधायक हैं भाजपा के, बहुत तेज तर्रार विधायक हैं, और मुझे तो, मैं मजाक में सोच रहा था कि वो तो न पीते हैं न पिलवाते हैं, फिर भी आज उन्होंने शराबबंदी का मुद्दा उठाया। तो इसलिए उठाया कि ये जो करप्शन हुआ प्रदेश में, इसके चलते क्या न्यायपरक कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है, ये एक जानकारी वो मांग रहे थे और उसको लेके सरकार ने कुछ अपना जवाब दिया है। देखिए, शराब, अवैध शराब में भ्रष्टाचार और शराबबंदी, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। शराबबंदी का वादा कांग्रेस ने किया लेकिन वो किन्हीं कारणवश उसको पूरा नहीं कर पाई, लेकिन करप्शन तो बहुत हुआ। ईडी का प्रवेश ही शराब में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर के हुआ, कई IAS अंदर चले गए, कई दलाल किस्म के व्यापारी अंदर गए, कुछ उससे कांग्रेस की छवि ही खराब हुई। और सरकार यदि विदा हुई है तो कहीं ना कहीं शराब घोटाला जो सामने आया उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब सवाल यह है कि शराबबंदी के मुद्दे पर क्या दोनों दल राजनीतिक तौर पर ईमानदार हैं? मैं समझ नहीं लगता कि ईमानदार है। बीजेपी राज में भी सरकारी शराब की बिक्री का काम जो है बीजेपी राज में ही शुरू हुआ और कांग्रेस ने फिर उसको आगे बढ़ाया। अगर कांग्रेस ने वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे तो उसे इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने गुस्सा जाहिर किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो नीति ही बनाई थी कि शराब मद्य निषेध होना चाहिए, वो उस रास्ते पर भी कांग्रेस नहीं चल पाई, शंकराचार्य के वादे को भी पूरा नहीं कर पाई। तो एक मजबूरी तो जरूर है कि राज्य सरकारों की कि उसके चलते राजस्व मिलता है और इसलिए वो शराबबंदी करने में पूरी तरह ईमानदार नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा रीजन भी जो भुगतना पड़ रहा है वो ये
कि शराब के अवैध शराब के साथ साथ यहां पर गांजे की तस्करी शुरू हो गई है, सूखा नशे का आमंत्रण हो चुका है, बहुत सारे प्रकरण हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए मोहन, पिछली कांग्रेस के सरकार में 157 प्रकरण दर्ज हुए अवैध शराबबंदी के, लेकिन कार्रवाई सिर्फ दो पर हुई, उसके जो आरोपी थे वो दो के प्रकरण में ही जेल भेजे गए। तो इससे पता चलता है कि आप शराबबंदी तो करना नहीं चाहते, ऊपर से यदि करप्शन हो रहा है या अवैध शराब बिक्री हो रही है और उस पर कानूनी तौर पर प्रकरण बन रहे हैं, तो उसे ईमानदारी तरीके से अंजाम पर भी नहीं पहुंचाना चाहते। इसके लिए राजनीतिक विफलता भी जिम्मेदार है और प्रशासनिक विफलता भी। ठीक है दुबे जी, जहां आग होती है वहां ही धुआं उठता है और धुआं उठता दिख रहा है, और इसीलिए ये संभावनाएं तलाशी जा रही है कि आग कहीं उधर तो नहीं है, और इसीलिए आप लोगों के जो बड़े नेता है वो भी दायरे में आ रहे हैं, जो बड़े अधिकारी पिछले कार्यकाल के थे वो भी दायरे में आ रहे हैं। तो ये जो आग, ये जो जांच की आंच है वो आप लोगों को परेशान कर सकती है, आप लोग को दुख दे सकती है, कैसे निपटेंगे इससे? मोहन जी, सांच को आंच नहीं। कांग्रेस की सरकार ने पूरी तल्लीनता से छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जवाबदेही के साथ सरकार चलाया, और जिस प्रकार से राजेश मूणत जी, निशिकांत जी राजस्व की बात कर रहे थे, राजस्व का नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की 15 वर्षीय सरकार ने शराब में जिस प्रकार से राजस्व में घपला किया, सीमेंट घोटाले में घपला किया, माल प्रवेश करके नाम पर के करोड़ों रुपए का घपला किया, प्रमाणित रूप से दस्तावेजी प्रमाण रहे हैं, लेकिन मात्र अपने कमियों को छिपाने के लिए और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक भ्रम जाल बना करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में महिलाएं, हमारी माताएं, बहने महिला कमांडो के नाम से गली गली घूमती थी, और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार उन महिलाओं को संरक्षण और सुरक्षा भी नहीं देती थी। वे महिलाएं शराबियों के नशेड़ियों के चक्कर में आकर उनके दबाव में आकर के विवश होते थे। लेकिन जिस प्रकार से अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि निश्चित रूप से गांजा, अन्य शराब, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने नशा बंदी के लिए कदम बढ़ाया था, तब भाजपा के पेट में दर्द हो रहा था। शराब बंदी नहीं, नशा बंदी के ऊपर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार को संकल्पित नहीं काम करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ ओवर रेट हुआ है, गलत एजेंसी से काम लिया गया है, अवैध शराब बेची गई है, इस तरीके के आरोप में क्या सच्चाई देखते हैं? कांग्रेस इसके लिए जांच के लिए तैयार है क्या? देखिए, गलत एजेंसी से जांच, ओपन टेंडर हुआ, ऑनलाइन टेंडर हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में जो शराब कंपनियां रही हैं, जो वितरक रहे हैं, उन्होंने भाग लिया, उसके बाद खुले प्रतिस्पर्धा में उसका आवंटन किया गया, लेकिन 15 वर्षीय कार्यकाल में इन्होंने एकमात्र ब्रांड की शराब की कंपनियों से एक ही ब्रांड शराब दुकानों में विक्रय करने के लिए प्रेरित करते थे। ये उनके पूंजीपति मित्रों के साथ संलिप्तता का प्रमाण था, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पारदर्शिता से काम किया। यदि ये चाहते हैं जांच कराना, तो निश्चित रूप से जांच कराएं, और जांच के बाद दूध का दूध पानी हो, जिस प्रकार से जांच हो रही है तत्काल छापे पड़ते हैं, तत्काल उसमें सार्वजनिक बयानबाजी आनी चाहिए, सार्वजनिक स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार ईटी आईटी की जितनी भी कार्रवाई कर रही है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रही है, और एक एजेंसी पे नहीं, ये सभी एजेंसी से जांच करके जांच की दिशा को भ्रमित करने का काम भाजपा कर रही है। सांच को आंच नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एजेंसी तो आपके अंडर में है, जैसा चाहेगा वैसा रिपोर्ट आ जाएगी, इस बात की आशंका है। नहीं मोहन जी, एजेंसी मेरे यहाँ छापा मारेगी, मेरे यहाँ 351 करोड़ पर नहीं मिलेगा, जिनके यहाँ होगा उसी के यहाँ छापा पड़ेगा, उसी के यहाँ निकलेगा। इन्होंने कहा कि नशाबंदी की तरफ हम आगे बढ़े थे, इनसे पूछता हूँ, नशा मुक्ति एक केंद्र भी आपने खोला? नहीं खोला। कैसे नशा मुक्ति की तरफ आप आगे बढ़े थे, नशाबंदी की तरफ? वास्तव में डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने जो कहा, पूरा प्रदेश सूखे नशे के चपेट में आ गया, युवाओं का भविष्य अंधेरे कुएं में डाल दिया गया, जिसके कारण अपराध का गढ़ बना छत्तीसगढ़। लेकिन अपने रुपेश जी को इस बात की चिंता नहीं रही, ये अपने अवैध वसूली में लगे रहे। दूसरा बात, इन्होंने कहा घपला किया भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा के 15 वर्ष काल में 11 सदस्यीय समिति बनाए थे, रुपेश जी उसमें समिति की अनुशंसा पे एक भी कार्रवाई किए होंगे, बता दीजिए मुझे। रुपेश जी रुकिए थोड़ा सा, आपने घपला किया, आपने बोला कि घपला किया, उसके प्रमाण भी रहे, आपको शर्म नहीं आ रही है? प्रमाण जेब में लेके बैठे रहे आप, 5 साल सरकार थी आपकी,
आपने क्या किया? की बात नहीं है, पूर्वाग्रह से दूसरे लोग काम नहीं करते, ये आने वाले दिन में हो जाएगा। अगर किसी के किसी के घपले की जांच का आपके पास प्रमाण है तो आपको उसको लेकर जो संबंधित अधिकारी है उसके पास जाना चाहिए। लेकिन उपेंद्र त्रिवेदी आप यहाँ गांव में जा रहे हो, जनता के संसाधन के 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम कर रहे थे, आप में कोई नैतिकता नहीं है। शराबबंदी के नाम पे आके शराब का घोटाला करने वाले लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन रुपेश दुबे जी, आप क्या बात करेंगे? आप बता दीजिए, 11 समिति सदस्य जो आपने बनाया था उसकी अनुशंसा पे एक बात भी अमल किए हैं क्या? 15 साल अखंड भ्रष्टाचार में डूबे रहे, आप क्या बात करोगे? आप यदि आज मंच में बोलेंगे, आज प्रभात प्रभु चैनल बोलेंगे, एक बात को तथ्यात्मक रूप से जांच कराने के कहीं साहस आपने नहीं है। पूछना चाह रहा हूँ रुपेश जी, अगर कोई घपला हुआ और किसी चीज का प्रमाण आपके पास है, मोहन जी ये बात तार्किक लग रहा है आपको कि किसी और प्रमाण भी है, घपला भी हुआ है, फिर भी जनता के हित में आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हो, आप घाल मेल करते हो, आप मिले जुले हो। अगर जनता ने आपको वोट करके आपको सदन में पहुंचाया है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी होती है, उनके प्रति आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। लेकिन जब घपला हुआ ही नहीं है तो आपको प्रमाण क्या आएगा? यही झूठ पर छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करती रही, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करी, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करी, छत्तीसगढ़ को समग्र विकास की ओर अग्रसर किया। आपने इतना काम किया कि प्रदेश का युवा निर्वस्त्र हो गया, आपको शर्म नहीं आती? आपके पास जांच के दायरे में है सारी चीजें, ठीक है। 15 वर्षीय कार्यकाल में जाति प्रमाण पत्र जांच नहीं की, आप लोगों के बेशर्मी का प्रमाण। जाली प्रमाण पत्र में तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया, और जिंदाबाद की बात करते थे आप लगातार। विषय में आते हैं, जाति मामले में आपके मुख्यमंत्री बना था, आपको याद है? आज शराब का विषय है और क्या घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, हम इस पर बात कर रहे हैं। अनिल द्विवेदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। द्विवेदी जी, आखिर अब इस पूरी जांच की दिशा किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? आमतौर पर जो विरोधी दल होता है उसको निशाने में लिया जाता है, पिछला कार्यकाल होता है उसे भी निशाने में लिया जाता है, क्या राजनीतिक कुछ दुर्भावना भी इस तरीके के जांच में हमें देखने को मिल सकती है क्या, जैसी आशंका कांग्रेस जता रही है? देखिए मोहन जी, सवाल राजनीतिक दुर्भावना का बिल्कुल नहीं है, दोनों ही राजनीतिक दल प्रमुख हैं इस प्रदेश में, और एक की सरकार जाती है तो दूसरे की आती है, इसलिए जनता तो ये सवाल करेगी कि कौन ईमानदार है ज्यादा तेज कार्रवाई करने के लिए। अब रुपेश दुबे जी को भी प्रवक्ता सुन रहा था मैं, कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं, निशी भाई जैसे ही हैं, वो भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन आप जनता को क्या देना है ये तो जरा बता दीजिए ना। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, अगर शराब घोटाला हुआ था तो 5 साल क्या पर्याप्त नहीं थे कांग्रेस के लिए उस पर कार्रवाई करने के लिए? आपने तो एक भी कार्रवाई नहीं की। बीजेपी ने तो कम से कम ईडी के सहारे ही सही, बीजेपी ने कम से कम इतना तो नाप दिया आपकी कांग्रेस को कि आपकी सरकार चली गई उस शराब घोटाले के चलते, और पूरा उजागर करके रख दिया उसने किस तरह से शराब बंदी हुई। ईडी की कार्रवाई पर हम ज्यादा सवाल खड़े नहीं कर सकते, लेकिन प्रथम दृष्टा जनता को लगा कि 5 साल में शराब के घोटाले हुए इसलिए ईडी कार्रवाई की, इसलिए आईएएस जेल में गए। लेकिन अगर अब बीजेपी को हम दूध का दूल्हा नहीं समझ सकते, बीजेपी की सरकार 5 साल है, आज 700 पन्ने का जवाब मंत्री जी ने दिया है। अगर कांग्रेस सरकार में वाकई और ज्यादा शराब घोटाला हुआ है, ईडी की कार्रवाई को हम साइड कर देते हैं, वो आपके खाते में नहीं जाएगी ना, भाजपा सरकार के खाते में। आपके खाते में तो जनता 5 साल बाद पूछेगी कि अगर कांग्रेस के राज में हुआ तो आपने 5 साल क्या किया। इसलिए ईमानदारी के साथ मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहूंगा कि अगर आप इतना अच्छे दावे के साथ सरकार में आए हैं तो जो 700 पेज का मामला है उस पर जरा कार्रवाई कराइए, लोग अंदर जाएं, अवैध शराब डिस्टलरियां दलाल ये जितने लोग हैं इन पर कार्रवाई हो, क्योंकि देखिए इसका खामियाजा राजनीतिक दल से ज्यादा समाज भुगत रहा है। आप देखिए मोहन, रोज 2-3 मर्डर 2-3 घटनाएं हो रही हैं अपराध की, उसके पीछे कहीं ना कहीं शराबबंदी है, शराब के मामले हैं, और इससे दोनों प्रवक्ता सहमत होंगे मेरी बात से। तो प्लीज जनता को बख्शिए, शराब बंदी करिए या शराब पर अंकुश लगाइए, अवैध शराब पर अंकुश लगाइए। गनीमत है कि अभी बिहार जैसी घटनाएं यहां नहीं हो रही हैं कि नकली शराब पीने से दर्जनों मौतें हो जा रही हैं, ये घटनाएं अभी नहीं हुई हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ बचा हुआ इससे, ठीक है। चलिए अगर आखिरी राउंड है, दोनों प्रवक्ताओं की एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। दुबे जी, सामने चुनाव भी है, शराब का ये जांच वाला मुद्दा क्या आप लोगों को भारी पड़ सकता है? आप लोगों ने इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी तैयार की है? मोहन जी, जांच पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है, कांग्रेस सरकार
जहां से डरी हुई घबराई हुई नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरी घबराई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इनके द्वारा व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इनके द्वारा बयान दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट इनकी मानसिकता परिलक्षित होती है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करें। देखिए, जांच कराइए, जांच होने के बाद जिस प्रकार से समय समय जांच पे जो जो बातें सामने आ रही हैं उनको जनता के बीच सार्वजनिक रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार ये सीएम हाउस तक बात जाएगी, इसके पास जाएगी, कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया, ये कांग्रेस को बदनाम करने का ही एक सोची समझी साजिश है। और सरकार में आने के बाद इनकी अपनी असफलता जो है उसको छिपाने का ये कुत्सित प्रयास है। ठीक है, चलिए, ये असफलता छिपाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए कोशिश है। निशिकांत जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मोहन जी, जो जो हमने वायदे किए थे जनता से वो लगातार हम करते जा रहे हैं, तो हमारी असफलता 1.5 महीना में इनको दिख गई, अपनी 5 साल की असफलता नहीं देख पा रहे हैं। ये जो रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाने का काम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कहा गया था, वो भूपेश दाऊ ने बहुत अच्छा किया है कि पूरा प्रदेश का हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार की ओर इंगित है, लेकिन आज भी रूपेश दुबे जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की जनता त्राहिमाम करती रही और ये लोग पूरा ऐसो आराम से जिंदगी जुटा रहे थे। वो चारवा का मंत्र है ना, जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लो घी पियो, कर्जा लेके ये शराब पिलाए हैं देश को, प्रदेश को, और वो फर्जी शराब से जो अभी अनिल जी बोल रहे थे कि तो राजस्व मिला है। नहीं, राजस्व ही कहीं तो नुकसान हुआ है, राजस्व का ही बंदर बाट हुआ है। जो 2 काउंटर खोले थे वो दूसरे काउंटर का पैसा राजस्व में नहीं गया है, वो 10 जनपद गया है। और जो अनिल जी बोल रहे थे किसी जान माल की नुकसान नहीं हुई है, वास्तव में कवर्धा और कोरबा में फर्जी शराब। चलिए, जांच का विषय है, तो जांच जब होगी तो और परतें खुलेंगी, तब तो एक बार फिर से चर्चा में आएंगे। लेकिन इस बार अब जांच तीनों तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है, ईडी भी कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी कर रही है, विभागीय जांच की भी घोषणा हो चुकी है, तो जांच का इंतजार करते हैं। तब तक इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। हमारे साथ निशिकांत जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। रूपेश दुबे जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।